Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جوتي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شاشي سوريا ليتم هاشامي باندي تهوتا شوكتم سوكي لسابي سوكي لم تقنتم جاواك بديو جيدا من ترمي بيابتم تبعيكي نبي شسك سروا إشتاك بوطن بوطا موبيا تبيدا نوكت بيانك جبكم مراتما عميق وانسور شنرا شجانك
जी का पाठ दसवां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि सुकाम्य न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षय अहमादेर्देवानां महर्षीणां च सर्वश यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमा
सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भरमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यश भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग् विधा महर्षरस्तप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जात येषां लोक इमाः प्रजा एतां विभूतिं योगं च नम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन योज्यते नात्र संशय अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां दुराभावसमन्विता मच्चित्ता मद्वत् प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तोष्यन्ति च रमन्ति च येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुपयान्ति ते येषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुपयान्ति ते वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं
नारायण 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 नारायण। अपने जीवन के लिए एक ध्येय बनाना चाहिए, निश्चित एक ध्येय। व्यवस्था आत्मी का बुद्धि एक, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। बहुशाखा अहंता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, अव्यवसायी पुरुष होते हैं। बहुत शाखा वाली से अनंत बुद्धियां होती है। कोई कुछ करे, कब गए, कभी कुछ किया, कभी कुछ गंगा गए, गंगाधार जमुना गए, जमुनादास कभी धन कमाए, कभी मान पटाई के लिए गए, कभी सुनने के लिए गए, कभी सुनाने के लिए गए। तरह तरह के काम है, वो धन इकट्ठा करेंगे, भोग भोगेंगे, मान पटाई प्राप्त। जीवन का एक लक्ष्य हो और वो लक्ष्य हो परमात्मा की प्राप्ति। एक तत्व को प्राप्त करना है, मैं तो भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त करना अथवा भगवत प्रेम प्राप्त करना है। एक तत्व जीवन मुक्त होना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। परंतु जैसे कैसे ही हो, जहां तहां हो, किस तरह से ही हो, ऐसा एक लक्ष्य अपना बन जाए तो बहुत बखेड़ा मिल जाता है, बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। अरबों में लग जाए ये मार्ग है हमारा, ये हमारा ग्रंथ है, ये हमारे आदर्श कोई महात्मा है, ये कोई बड़ा सिद्धांत है, ऐसा लेख ठीक हो जाए तो बहुत लाभ होता है, बड़ी सुगमता होती है। नहीं तो क्या करें, कैसे करें, कहां जाएं, बिना लक्ष्य के प्राय आदमी घूमते हैं, जैसे पशु हो वैसे। ये नहीं है कि हमें तो अपने जीवन में ये काम करना है। तेरे भावे जो करो भलो करो, संसार नारायण तू बैठ के अपना भवन हुआ, अपना काम ही करना है भाई। भगवान को प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, हमें तो भगवान से प्रेम करना है, अपना कल्याण करना है। हमें एक चुन लो एक ठीक तरह से, फिर सब बातें उसमें आ जाएगी, सब ठीक बन जाएगा। व्यवहारिक काम करेगा तो भी उसका ध्येय एक ही रहेगा। तरह तरह काम करेगा तो खाना पीना चलना फिरना बोलना चलना करेगा, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, लेन देन करेगा, ये सब क्रिया तरह तरह की होगी, पर लक्ष्य एक होगा, सबका लक्ष्य एक है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना है, बहुत बढ़िया काम होगा। सब जितने काम है सबके सब एक तरफ हो जाएंगे। गंगा जी कहते हैं गंगोत्री से निकलती है छोटी धारा, गंगोत्री, वो गंगोत्री गंगा जी है, वहां से निकली गंगा प्रकट हुई। तो गंगा प्रकट हुई छोटी धारा है, तो प्रकट हुई तो वो जाने समुद्र थे, गंगा सागर संगम वहां पहुंचना है। तो वो धारा अपनी एक तरफ चलती है तो बीच में कई नाला नदियां झरना कई मिलते हैं, वे मिलते 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 बड़ी हो जाती गंगा जी। अगाड़ी जागरे घाघरा नदी है, घाघरा बहुत बड़ी, सरजू नदी बड़ी, यमुना जी है, ये सब मिल जाती गंगा जी में। सब कर रहा हूँ गंगा जी, जमुना में मिलते, जमुना नाम नहीं पीछे, त्रिवेणी में जमुना मिलती है, प्रयागराज में अगाड़ी गंगा जी नाम है, घाघरा नदी बहुत बड़ी है, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा है, वो नदी बहुत बड़ी, पर वो भी मिल जाती है। आगे नाम गंगा जी हो जाता है, गंगा जी
सब मैं करूंगा। तो ऐसे एक ध्येय हमारा बन जाता है, फिर अनेक तरह की बातें भी वो एक ध्येय में एक ही लक्ष्य पर बढ़ जाती, उस एक ही धारा को पुष्ट करती। और नहीं तो गंगा जी में से एक निकली नहर, नहर में से छोटे छोटे निकले नाला, वे गए खेतों में, तो नहर नहर खेतों में फैलते फैलते सब फैल जाते। काफी एक प्रवाह होता है, वो जमीन में ही फैल जाता है, कहीं नहीं जाता। और एक गंगा जी ऐसी जाती है, छोटी सी धार में होती 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 समुद्र में चलने वाले जहाज गंगा जी में चलते हैं, समुद्र में चलने वाले। कलकत्ते में जहाज आते हैं, समुद्र में चलने वाले जहाज गंगा जी में आते हैं। इतना बड़ा प्रवाह, इतना बड़ा वेग होता, इतना बड़ा चल हो जाता है, बड़े भारी बड़े बड़े जहाज चलते। पर एक थी ऐसे हमारा थे, एक परमात्मा की प्राप्ति होता है तो फिर सब मिलते 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 सब सहायक हो जाते हैं। एक लक्ष्य हमारा होने से हमारे भी मिल जाएंगे, बाधा नहीं रहेगी, हमारी ध्येय की सिद्धि करने वाले हो जाएंगे। व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक निश्चय ही होता है, सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा। इस व्यवसाय की बड़ी भारी महिमा करी है, व्यवसाय एक व्यवसाय बुद्धि। विघ्न बताया कि भोगेश्वरीय प्रसन्नता न तया प्रसन्नता, तरह तरह की कामनाएं, मान की, बढ़ाई की, संसार की, पुत्र की, परिवार की, तरह की कामना, भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना, ऐसे जिनका ध्येय है। और स्वर्ग आदि लोगों को जाना है, मरने के बाद भी स्वर्ग जाना है, वहां जाना है, और जीते भी ऐसे करना है, तो बहुत सखा वाली अनंत बुद्धियां होती है। एक ही सिद्ध नहीं था, सब काम ऐसी रह जाते हैं। एक साथ है सब सत है, और सब साथ है सब जाए, कोई से सिद्ध नहीं होता, जीते रह जाते हैं। और एक काम सिद्ध ठीक करे सब काम ठीक हो जाए, एक भगवान में लग जाए सब काम ठीक होते, मान भी, बढ़ाई भी, आदर भी, सुख भी, भोग भी, सब आ जाते। अपने यदि चाहिए सब सामग्री आती, गर्ज करते सामग्री भी गर्ज करती, सामग्री वाले गर्ज करते, सामग्री खुद आती। एक लक्ष्य बढ़ जाए परमात्मा, संसार की सब सुविधा जैसी सब ठीक हो जाते। जीवन का लक्ष्य एक हो अनन्य भाव से, नहीं तो सत्संग सुनते हैं उसमें भी अनन्य भाव नहीं तो जिंदगी से भटकेगा, कोई काम सिद्ध कर सकेगा नहीं, कुछ भी सिद्ध नहीं कर सका। जीवन बीत जाएगा, आज दिन तक का जीवन बीता अगर जप करते तो आज ये दशा नहीं रहती, गीता का अभ्यास करते तो ये दशा नहीं रहती, एक ही परमात्मा का चिंतन करते तो ध्यान लग समाधि लग जाती, ये दशा नहीं रहती। ये दशा कब होती कि ध्येय एक नहीं, लक्ष्य एक नहीं, एक तरफ ही चल रहा ही है, कुछ नहीं कर सकता हूं, सब साधे सब जाए, कुछ नहीं सिद्ध होगा। ऐसे में बीत जाएगा, मौत चट आ जाएगी, अरे मौत आने पर मरना पड़ेगा ही, फिर ना कोई कर सकता नहीं, किसी ना करने की शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। तो एक लक्ष्य बना ले,
और बढ़िया बात यह है कि एक लक्ष्य बना हुआ क्या भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, ये तरह तरह की बातों के लिए नहीं दिया, केवल कल्याण के लिए दिया है। ये जीव ना कल्याण कर ले, 16 लाख जीवन जितने भूते वे सब कर्मों के की और फल भोग के लिए है। नरकों में जितने जीव पड़े हैं अपने किए कर्मों का फल भोगने के लिए है। स्वर्ग में जितने गए हैं सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए गए हैं। भूलोक भोलोक मारलोक 14 भुवनों में जितने लोग हैं सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो कल्याण के लिए जो है। मनुष्य शरीर ये कल्याण कर इसके लिए दिया है, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए ही शरीर मिला है। इसको पहचान लेंगे तू क्यों आया था, मनुष्य क्यों बना है, किस लिए भगवान ने मनुष्य बनाया है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति जिसके लाभ के बाद और कोई लाभ बाकी नहीं, अंग लब्धवाचा परम लाभम मन्यते नाधिकृतः। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई लाभ बढ़कर हो सकता नहीं, उस तत्व को प्राप्त करना है। मामूली सुख में लोलुप नहीं होना है, मामूली भोगों में लोलुप नहीं होना है, हमें तो एक परमात्मा की प्राप्ति करना है। जैसे तैसे हो, सुख पावे दुख पावे, आदर हो निरादर हो, निंदा हो प्रशंसा हो, जो हो जाए, अनुकूलता मिले प्रतिकूलता मिले, आदर मिले तिरस्कार मिले, जो मिल जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। जैसे बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बीच में रास्ता बढ़िया आ जाओ, घटिया आ जाओ, चढ़ाई आ जाओ, उतराई आ जाए, छाया आ जाए, घाम आ जाए, तपे तो तेज से चढ़ाई आ जाए सावन पहाड़ पर, तो ये तो मार्ग है। मार्ग में अच्छा मध्यम आते अनुकूलता में प्रतिकूलता आती, इसकी क्या प्रशंसा क्या राजी क्या नाराज हो इसमें, ये तो मार्ग है। मार्ग में आते आप संसार में तो भी सुख दुख दोनों तरह का आवेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी, ये तो आवेगी। अपने परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, जैसे तैसे ही हो, फिर उसका ठीक रास्ता हो जाता है, उसका ग्रंथ भी हो जाता है, गीता ग्रंथ है। कोई महात्मा संत भी जब तक एक विचार नहीं होता तब तक अनेक होता है। जैसे आपकी कन्या बड़ी हो गई, अब उसके लिए आप भर खोजते हो और बात भी करते हो, घर में आकर अपनी स्त्री से कहते हो देखो एक वहां पर है, एक वैसा है, वो वैसा है, वैसा है। छोरी बड़ी हो गई, वो छिप छिप करके सुनती है कि मेरी सगाई की बात हो रही है, तो जगह जगह चलता तरह छोरों की बात सुनेगी वो। कब तक कोई निश्चय नहीं हुआ, तब तक निश्चय हो जाएगा अमुक अमुक कन्या देनी है, उसके साथ सगाई करनी, ब्याह करना पक्का हो जाए माँ बाप का पशु, तो इसे वो छोरी जगह तरह तरह की बातें नहीं सुनेगी, जगह जगह बातें नहीं सुनेगी, वो तो उसी की बात सुनेगी, उसी से लगेगा हुआ और मन नहीं लगेगा। ऐसे अनन्य भाव हो जाता बस, हमारे तो उससे मतलब जगह अच्छा है तो क्या बुरा तो क्या, हमें क्या उससे मतलब है, अच्छा है तो अच्छी बात, बुरा है तो अच्छी बात। पार्वती के सामने सनकादि सप्तऋषियों ने जाकर कहा तुम क्या करती हो, तुम अकल नहीं पत्थर की बेटी हो तुम, क्या शंकर के लिए छोड़ो, इसको विष्णु भगवान है, वैकुंठ वासी है, उसमें ऐसे ऐसे गुण है, ऐसे ये भांग तत्व खाने वाला, नंग तरंग रहने वाला, एकाकी अकेले घरे कबू की नारी खटाए, पहले ब्याह हुआ था इसका और वो सी रह सकती जंगल में, घर में अच्छा वह वहां से रह सकती, कहां जाओगी तो
खूब कहा। उसने कहा महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुण भवन, अवगुण ही अवगुण, अवगुण घर है और विष्णु सकल गुण धाम सब है। पर जाको मन रम जाहिर साहे साहे सन कहा, जिसका मन लग गया बस आप पधारो। बरकन्या खड़ी संसार में, वहां पधारो, अब जाओ राज। कहते हमें ठीक बताते हैं तो ठीक सुनने वाली कोई हो उनको सुनाओ, हमें सुनना नहीं है, हमारे मतलब नहीं है। अब तो जन्म कोटि लगर रगर हमारी बरो शंभु न तो रहो कुमारी। बरो तो शंभु भगवान शंकर को ही बरो गई, न तो कुमारी रहो गई। एक दृढ़ नतमस्त हो गए महाराज, नमस्कार करने लगे। तुम जगत जननी हो, भगवान शंकर पिता है, तो तुम आओ नमस्कार किया। सीधे हो गए भगवान शंकर ने त्याग दिया था सती को। भगवान शंकर ने जा करके और कहा जाए विवाह वो शैल जाए ये मोहि मांगे देव। विष्णु भगवान मांगते हैं शंकर से कि तुम शैल पुत्री से ब्याह करो, ये मेरे को मांगने से देते, मैं वरदान मांगता हूँ। मांगते हैं विष्णु भगवान शंकर से, कितनी विचित्र बात है। मानो एक निश्चय होने पर भगवान भी उसके अनुकूल, ऋषि मुनि भी उसके अनुकूल, संत महात्मा भी उसके अनुकूल, सब उसकी समझा उसकी निष्ठा। एक है हमारा तो निश्चय, एक विचार, एक ही सिद्धांत और है नहीं, यहाँ विचार नहीं। ये साधकों के लिए आदर्श सिद्धांत है, आदर्श सिद्धांत। नाम जिसका नाम सती, कितनी विलक्षण बात है। जितने संसार में हिंदू लड़कियां हैं सब गौर की पूजन करते हैं, गौर की पूजा करते सब छोड़े सब ती पूजे तो अहित असल हित, हमारा सुहाग असल रहे गौरजा माता, गौरजी ईश्वर, ईश्वर भगवान शंकर और गौरजा गौरी। व्रत करती है, उपवास करती है, फूल लाती है, पूजा करती है, सब उसका पूजन करती है। सीता माता जगत जननी होने पर भी गौरी पूजन जननी पठाई, मां ने कहा बेटा जाओ गौर पूजन करो अच्छा भर पैदा। बाकी कहने से गई हुआ जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश संत गौरी, जय गंदोदर सदानंद माता। और आपसे कहूं क्या, आप तो उर पुरुष हो गई के सबके हृदय में बैठ रहे हो, मेरे को बर्फ मिले। पाप तो कह रहे भाई मन राज जिसके साथ मना चाहे मिले ही सोई पर सहज सुंदर सावर हो करुणा निधान सुजान। तुम्हारे मन की बात जानते हैं वो तुम्हारे ऊपर मिलेगा, आशीर्वाद देना पड़ा। पहले से बोले नहीं, सीता जी ने नहीं कहा, गौरजा ने कहा तुमने जाए राशो मिले सोबर सहज सुंदर सावर बेटी को मिलेगा, जाओ आशीर्वाद दिया। खसी मूर्ति फसी माल मूर्ति मुस्कुराने माला गिरे का प्रसाद निष्ठा ही। तो सीता जी भी पूजन उसी करती है,
जितनी कन्याएं हैं वे सब कन्याएं गौर पूजन करते सब कन्या हमारे बादशाह बार मेरे बार घर संपल पूजन करती किसका किसके एक रिश्ते है बस भरोसों का और वहां करे कुमारी बस हमने तो जन्म इसकी लगा दिया लगा दिया लगा दिया बस कितनी दृढ़ है कि तजो न नारद कर उपदेशु आप कहे सतवार महेशु भगवान शंकर खुद सौद पे कह दे कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता मैं नहीं करूंगा कर दो मैं स्वीकार आप स्वीकार करू नहीं मैं आपकी गवाह लेती ही नहीं मैंने तो स्वीकार कर लिया नारद कर उपदेश नारद जी ने उपदेश पार्वती को नहीं दिया नारद जी ने उपदेश दिया हनुमान और अस्थि को जो तप करे तुम्हारी कुमारी तुम्हारी तो बस मिल जाती पुराने मिल सकते ये तपस्या करे तो और कह दिया कि हाथों का श्रवण उसको बड़े ऐसा मिलेगा माँ को बड़ा दुख हुआ नंग धड़ंग ऐसा भस्मी जाने वाला जंगल में ऐसा बर मिले मेरी इतनी सुंदर कन्या ऐसा बर मिलेगा तो बर तो सही मिलेगा भाई भगवान शंकर की तपस्या तो करे तो ठीक हो जाएगा बस सब हो जाएगा वह अवगुण भी गुण है सभी सब तो उसके लिए माँ मैं तो जाऊंगी तपस्या करने के लिए मेरे को एक घोर ब्राह्मण मिले उन्होंने उपदेश दिया कि बेटी तुम तपस्या करो जाओ वचन करो माँ मेरे को स्वप्न में उपदेश मिला एक ब्राह्मण ने कहा तो मैं तपस्या कर जाऊ माँ के छोटी सी तो छोरी कुमार शरीर तो उसने जंगल में जा रही रहेगी कोई बाघ खा जाएगा पिज्जा खा जाएगा सांप आ जाएगा तो क्या दशा होगी छोटी तो मैं जाऊंगी तो उसे करूंगी तो नारद जी ने उपदेश उसकी माँ को कहा था नारद जी को नहीं कहा तो सजो ने नारद अगर उपदेश हो आप कहे सतवार महेश तो सबको सीधा होना पड़ा महाराज शंकर की मिजाज भी ठंडी हो गई विष्णु भगवान ने प्रेरणा जाकर सिफारिश की अजहर जी बुरा तो सैल जी तो सैलपति के साथ ब्याह करो तो विरुद्ध देह बैठे भजन भजन में बैठे उसे कोई परवाह ही नहीं ब्याह आगे किसको परवाह काम देर जगाया किया सब तो पार्वती जी को याद किस लिए करो वो दृढ़ निश्चय हो जाए फिर सब काम हो जाएगा नारायण 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 तो जीवन का एक व्रत हो एक सिद्धांत हो एक विचार हो एक गुरु हो एक ग्रंथ हो एक जगह हो एक स्थान हो अनन्य भाव से अन्य भाव नहीं है हमारा तो अनन्य चेता सत्यम यो मान स्मृति नित्य सत्यम सुलभ भगवान में सुलभ मिलता हूँ अनन्य बहुत सारा कहीं होगा मन कहीं कोई इज्जत नहीं है फजीत ही हो पूरी नारायण 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 चलो भाई राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4 जून सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुए। राम।